नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। केवाल के दलितों पर दबंगों द्वारा हो रहे अत्याचार के खिलाफ माले का प्रदर्शन। गोवर्धन मांझी को न्याय क्यों नहीं, जिला प्रशासन जवाब दे माले। खैरा प्रखंड अंतर्गत कव्वाल रहता गाँव में गोवर्धन मांझी के ऊपर हुए हमले के खिलाफ आज दिनांक 22 अगस्त 2020 को कव्वाल फरिता में भाकपा माले शाखा कमेटी ने धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अध्यक्षता करते हुए वासुदेव राय ने कहा कि नीतीश मोदी के न्याय के साथ विकास का नारा एक छलावा मात्र है। आज पूरे बिहार में दलितों पर दबंगों द्वारा लगातार हमला बढ़ गया है और सरकार मौन बैठी है। वहीं छात्र संगठन आयसा के प्रदेश उपाध्यक्ष बाबू साहब ने कहा कि गोवर्धन मांझी पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन के कार्यनीति पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि थाने अपराधियों को संरक्षण देती है, जिससे प्रदेश में अपराध बढ़ गई। वहीं मौके पर उपस्थित खैरा प्रखंड के सहायक सचिव सुधीर मांझी ने कहा कि 12 अगस्त के रात गोवर्धन मांझी के घर पर ईसो यादव, कामेश्वर यादव, मक्केश्वर यादव और किशोर यादव ने रात में गोवर्धन मांझी और उनकी पत्नी के साथ मारपीट किया और जाति सूचक गाली गलौज उनकी पत्नी का इज्जत लूटने का प्रयास किया। और जब इसकी सूचना गोवर्धन मांझी 13.08.20 को खैर थाना में सूचना देने पहुंचा तो उपस्थित पुलिस ने उन्हें डांटकर वापस भेज दिया। फिर 1.88.20.20 को गोवर्धन मांझी ने SC/ST थाना जमुई में लिखित आवेदन दिया, लेकिन आज तक इस आवेदन का संज्ञान लेने तक कोई भी पदाधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। वहीं मौके पर उपस्थित भाकपा माले मांगोबंदर शाखा कमेटी के अध्यक्ष सुभाष सिंह ने कहा कि दलितों पर दबंगों द्वारा लगातार हमला हो रहा है, लेकिन मोदी और नीतीश की सरकार इनको लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं मौके पर उपस्थित प्रवीण पांडे ने कहा कि अगर गोवर्धन मांझी को न्याय नहीं मिली और अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में इस सवाल को लेकर खैरा थाना पर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं धरने पर उपस्थित धनेश्वर मांझी, सुरेश मांझी, भैरव मांझी, अकलु मांझी, मणि मांझी, गोवर्धन मांझी, संजय मांझी, जोगिंदर मांझी, शरण डोमन मांझी, हरिकांत मांझी, सकलदेव मांझी, प्रदीप मांझी, सीताराम मांझी, राजेश मांझी सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे।